हे गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल दैट इज अचीव आईएएस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कश्मीर डिस्प्यूट के ओरिजिन्स के बारे में। तो कश्मीर डिस्प्यूट दोस्तों, आपको जैसे पता ही है कि न्यूज़पेपर्स में आता रहता है, कश्मीर में अभी इंडिया बहुत ज्यादा इंटरनल डिस्टर्बेंस फेस कर रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में माइंड में ऑफ्टन क्वेश्चन आता है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते कि इसके ओरिजिन बेसिकली कहाँ से हैं। जो कश्मीर डिस्प्यूट अभी बन चुका है बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, उसके ओरिजिन कहाँ से हैं और कैसे अब तक जो अभी जो स्टेज पहुंची है वो कैसे अल्टीमेटली स्टार्ट कहां से हुई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिकली ये आंसर करेंगे, आपको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बताने की कोशिश करेंगे कि इसके ओरिजिन्स कहां से हैं कश्मीर डिस्प्यूट के। और मंथ दोस्तों है मई और ईयर चल रहा है 2019, ये गलती से 2020 लिखा गया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि 15 अगस्त 1947 ये वो दिन है जिस दिन इंडिया आजाद हुआ। जो ब्रिटिश सरकार थी अपने जो 190 इयर्स ऑफ रूल को खत्म करते हुए इंडिया से चली जाती है। लेकिन जब वो इंडिया से जाती है तो इंडिया की पार्टीशन करके जाती है और दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स का बर्थ होता है, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उस टाइम पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया को उन्होंने जब छोड़ा अंग्रेजों ने, तो उस टाइम पे दो तरह का इंडिया था, एक ब्रिटिश इंडिया था, एक प्रिंसली स्टेट्स थी। तो ब्रिटिश इंडिया वो पार्ट था जो डायरेक्टली ब्रिटिश के कंट्रोल में था, और जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो पार्ट था जो एक तरह से राजघराने, जिनको हम बोल सकते हैं रॉयल हाउसेज हम बोल सकते हैं, उनके कंट्रोल में था। तो जो एक तरह से, तो अगर हम देखें तो जो उनका रूल था ऑल ओवर इंडिया था, बट बेसिकली उनका मेन जो रूल था वो ब्रिटिश इंडिया में था। जहां पे राजघराने थे वो डायरेक्टली क्यून, जो ब्रिटिश क्यून आती है, ब्रिटिश क्राउन है, उसके अंदर आती थी। और जम्मू एंड कश्मीर भी क्या था, एक प्रिंसली स्टेट था। तो जब अंग्रेज भारत से वापस गए तो उन्होंने ब्रिटिश इंडिया तो आजाद कर दिया, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थी जिनका डायरेक्टली रिलेशन ब्रिटिश क्राउन के साथ था, तो उनको उन्होंने ऑप्शन दे दी कि आप क्या कर सकते हो, या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो, या आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हो, या आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो, ये आपकी च्वाइस है। तो दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर भी जो थी उस टाइम पे एक प्रिंसली स्टेट थी, और उसके महाराजा थे, एक हिंदू महाराजा थे, राजा हरि सिंह। तो दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर की जो बेसिकली मगर पॉपुलेशन थी वो मेनली मुस्लिम्स की थी। और जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब जो इस स्टेट के महाराजा थे, दैट इज राजा हरि सिंह, उन्होंने वो एक तरह से ख्वाब देख रहे थे इंडिपेंडेंट नेशन का, जेएनके का, जो उनके द्वारा रूल किया जाएगा। तो उनकी जो कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि वो इंडिया को या पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। लेकिन दोस्तों, वो रोल जो अपना रूल तो खुद का चाहते थे वहां पे, लेकिन जो वहां की जनता थी, वहां की पॉपुलेशन थी, वहां का पॉपुलेश था, वो उनके उनके मन के अंदर राजा के प्रति जो डिसकंटेंटमेंट थी वो बढ़ रही थी। तो उसमें से दोस्तों जो प्रोमिनेंट थे सबसे ज्यादा, जो बेसिकली कश्मीर की जो पॉपुलेशन थी वो अपने राजा से ज्यादा खुश नहीं थी। लेकिन बिकॉज प्रॉब्लम क्या थी कि बेसिकली राजा कभी भी पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्ट नहीं करते थे, उनको उनके राइट्स का ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो इसकी वजह से वो राजा से खुद को छुड़वाना चाहते थे। तो उनके काफी ज्यादा ओपोनेंट्स थे कश्मीर में, और सबसे प्रोमिनेंट जिनका नाम आता है वो थे शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला एक पढ़े लिखे नौजवान थे जिन्होंने मास्टर्स की साइंस में, और वो बेसिकली उन्होंने जब अप्लाई किया स्टेट गवर्नमेंट में, कश्मीर की गवर्नमेंट में जॉब के लिए, तो उनको जॉब नहीं मिली डिस्पाइट हिज हाई क्वालिफिकेशन, बिकॉज उस टाइम पे उन्होंने मास्टर्स की थी साइंस में। तो उस टाइम पे देखिए दोस्तों, उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया इसके बाद कि व्हाई, ऐसा क्यों है कि मुस्लिम्स को ही ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है। बिकॉज जो जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें जो ज्यादातर जो जो ऑफिशियल्स थे वो हिंदू ऑफिशियल्स थे, मुस्लिम्स ऑफिशियल्स को, मुस्लिम जो थे उनकी ऑफिशियल पोजीशंस पे प्रेजेंस बहुत कम थी। और जब जब शेख अब्दुल्ला को ये जो जॉब डिनाई की गई, तो उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि जो मुस्लिम्स हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के, जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं, जो मेन पॉपुलेशन है,
जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है राजा हरी सिंह के सब्जेक्ट्स की, उसको राजा हरी सिंह फेयर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे। तो दोस्तों उसकी वजह से थोड़ा जो शेख अब्दुल्ला है वो प्रोमिनेंस में आने लगे। अब दोस्तों बात करते हैं शेख अब्दुल्ला के बारे में, थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि देखिए उन्होंने जब उनको जॉब नहीं मिली वो एज अ स्कूल टीचर पढ़ाने लगे कश्मीर में, और उन्होंने 1932 में एक पार्टी बनाई जिसका नाम था ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और जिसका पर्पस क्या था, महाराजा जो हरि सिंह से मुस्लिम्स के राइट्स को डिमांड करना और जो महाराजा की पॉलिसीज थी उनको क्रिटिसाइज करना। और उसी टाइम पे दोस्तों क्या हुआ कि थोड़े समय बाद उन्होंने जो शेख अब्दुल्ला ने इसको चेंज करके इसका नाम कर दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस, और इसमें जो स्टेट की पॉपुलेशन जो हिंदूज और सिख्स थे उनको भी इंक्लूड कर लिया। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1930s एंड 1940s जो महाराजा थे इन्होंने जो महाराजा हरि सिंह थे उन्होंने शेख अब्दुल्ला को काफी बार जेल भेजा, वहां पे उनको सजा दी और काफी ज्यादा एट्रोसिटीज की कश्मीर में, और जिसकी वजह से महाराज जो आपके शेख अब्दुल्ला हैं वो काफी एडमायरेबल लीडर अमर्ज होने लगे कश्मीर में, बिकॉज अल्टीमेटली वो जो थे एक्सीलेंट ऑरेटर थे और उन्होंने जो कश्मीरीज की वो बात थे वो बहुत बढ़िया तरीके से रखते थे। तो देखिए सबसे जो खासियत वाली बात थी शेख अब्दुल्ला की वो डेमोक्रेटिक थे बहुत ज्यादा, और सेकुलर बेसिकली वो सेकुलर पॉलिटिक्स में बिलीव करते थे, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स में उनका विश्वास नहीं था। इनफैक्ट तभी उन्होंने 1936 में जो ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है उसका नाम चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया था, और इनकी जो सेकुलर टेंडेंसीज थी और इनकी जो सोशलिस्टिक लीनिंग्स थी और डेमोक्रेटिक लीनिंग्स थी इनकी वजह से जो शेख अब्दुल्ला है वो एक तरह से नेचुरल फ्रेंड बन गए जवाहरलाल नेहरू के, बिकॉज बेसिकली जवाहरलाल नेहरू भी इन सारी चीजों में बिलीव करते थे। तो दोस्तों हुआ क्या, डिजास्टर की बात करते हैं कि अभी जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है कश्मीर की वो कैसे इमर्ज हुई। तो देखिए महाराजा हरि सिंह जो थे चाहे वो जनरली उनको सारी J&K की पॉपुलेशन अपोज करती थी लेकिन पर्टिकुलरली उनसे डिससेटिस्फाइड थे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ पूंछ, जो पूंछ डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो, मैंने कर्सर लेके जा रहा हूं वहां पे, तो ये पूंछ डिस्ट्रिक्ट थी, तो इसकी जो पॉपुलेशन थी वो बेसिकली डिससेटिस्फाइड थी महाराजा हरि सिंह के साथ। और इसका रीजन दोस्तों क्या था, बिकॉज 1936 तक मेनली जो था पूंछ डिस्ट्रिक्ट थी वो मतलब के एक सब्सिडरी क्लैन था डोगरा रूलिंग डायनेस्टी का, उनके द्वारा रूल की जाती थी, लेकिन 1936 में क्या हुआ महाराजा जो हरि सिंह है उन्होंने डायरेक्टली पूंछ डिस्ट्रिक्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया, और अपने कंट्रोल में लेने से एक क्या हुआ कि पूंछ डिस्ट्रिक्ट के जो सब्जेक्ट्स थे जो बेसिकली मुस्लिम्स थे ज्यादातर, तो उनके मन में एक रिजेंटमेंट आई बिकॉज ऑटोनॉमी एक उनकी चली गई, और अकेली ऑटोनॉमी नहीं गई उसमें दोस्तों क्या हुआ कि कई तरह के नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर दिए गए महाराजा हरि सिंह के द्वारा, और उनमें जैसे टैक्सेस थे इंडिविजुअल गोट्स पे, शीप पे, कैटल पे, तो टैक्स फॉरेस्ट एंटर करने पे टैक्स लगने लगा। तो इससे क्या हुआ कि जो मुस्लिम्स थे वहां के बेसिकली पूंछ डिस्ट्रिक्ट के वो डिससेटिस्फाइड होने लगे जो महाराजा हरि सिंह से बहुत ज्यादा। तो इनफैक्ट जैसे मैंने आपको अभी तक बताया कि जम्मू एंड कश्मीर की जो इंटायर पॉपुलेशन थी लगभग वो अगेंस्ट थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा रिजेंटमेंट थी वो पूंछ डिस्ट्रिक्ट में थी। तो दोस्तों इस कॉन्टेक्स्ट में आपको मैंने मैप भी इंक्लूड किया, तो आप ये देख सकते हो, आपको मैं मैप का सारा समझाऊंगा आगे कि ये कैसे जो अभी जो मैप आपको शो हो रहा है ये कैसे शो हो रहा है। तो दोस्तों क्या हुआ कि 14 अगस्त 1947, तो एक दिन पहले आजादी का, तो बहुत सारी जो शॉप्स थी ऑफिसेज थे पूंछ डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने पाकिस्तानी फ्लैग्स को फ्लो किया। तो इससे एक तरह से क्या मैसेज जाता था कि बेसिकली जो पूंछ डिस्ट्रिक्ट के पॉपुलेशन थी वो महाराजा हरि सिंह को प्रेफर नहीं कर रहे थे ना इंडिया को प्रेफर कर रहे थे, बेसिकली उन्होंने पाकिस्तान को एलिगेंस शो करी अपनी। तो देखिए जब तक सितंबर आते आते अगर हम बात करें 15 अगस्त के बाद भी, तो कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर जो महाराजा हरि सिंह के द्वारा रूल की जा रही थी उसमें जो पूंछ डिस्ट्रिक्ट के पर्टिकुलरली लोग थे जो मैन थे उन्होंने बेसिकली खुद को अपने आप को इक्विप करना शुरू कर दिया राइफल्स के द्वारा, और इनफैक्ट ऑब्वियसली राइफल्स कहीं और से तो आनी नहीं थी, वो पाकिस्तान के द्वारा इनफॉर्मल सोर्सेज के द्वारा आ रही थी, और इनफैक्ट जो बहुत सारे अकाउंट्स हैं पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं ऑफिशियल अकाउंट्स हैं इस बात को कंफर्म भी करते हैं, बिकॉज उस टाइम पे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान और पंजाब मुस्लिम लीग
लीग जो जो वेस्ट पंजाब वाली मुस्लिम लीग है उसके जो एक लीडर थे जो मियाँ इफ्तखारुद्दीन थे, उन्होंने ये उनको ये सारी बात पता थी कि पूंछ में ऐसा कुछ चल रहा है और उन्होंने एक्टिवली इसको असिस्ट भी किया। इनफैक्ट जो पाकिस्तान के कॉलोनल थे पाकिस्तान आर्मी के अकबर खान, उन्होंने तो 4000 जो राइफल्स थी आर्मी सप्लाई से वो डाइवर्ट करके उनको कश्मीर में यूज करने के लिए एक तरह से डाइवर्ट किया। तो पूंछ डिस्ट्रिक्ट में जो एक तरह से रिबिलियन जो शेप ले रहा था उसमें पाकिस्तान ने काफी एक्टिव रोल प्ले किया। तो दोस्तों इससे पहले कि पूंछ में कोई रिबिलियन हो पाता, तो एक ऐसी चीज होती है जिसका अभी तक हिस्टोरियन आंसर नहीं दे पाए हैं, एटलीस्ट हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया अभी तक बता नहीं पाए हैं कि वो जो इवेंट हुई वो बेसिकली जो जिन्होंने की वो कौन थे और उनका पर्पस क्या था, तो ये अभी तक क्लैरिफाई नहीं हो पाया है। तो दोस्तों इवेंट की आपको मैं बात समझाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे फोटोग्राफ देख रहे हो, तो बेसिकली ये जो एरिया है वो ये पहले भारत का जब हिस्सा था तो इसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोलते थे, हालांकि सिर्फ 2010 में इसका नाम चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस रखा गया, लेकिन पहले ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ही जाना जाता था। क्या होता है यहाँ से देखिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अब आप देख सकते हो कि पूंछ अप्रोक्सीमेटली यहाँ था। अब आपको मैंने पिछली फोटोग्राफ में दिखाया कि पूंछ काफी ज्यादा थोड़ा साउथ में था कश्मीर के, और जो जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है वो यहाँ पे है। तो यहाँ से बहुत सारी जो जो ट्राइब्स हैं मेनली उसमें पठान्स थे वो नॉर्थ साइड से एंटर होते हैं, बिकॉज ये जो बाउंड्री लाइन आपको दिख रही है ये बाउंड्री लाइन डीमार्केट की गई थी रेड क्लिफ के द्वारा। तो रेड क्लिफ कमीशन जो बिठाया गया था उन्होंने ये बाउंड्री डीमार्केट की थी। तो बहुत सारे जो जो ट्राइब्स है यहां से एंटर होते हैं और वो एक तरह से नॉर्दर्न कश्मीर से होते हुए वो काफी ज्यादा स्विफ्टली आगे मूव करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों अभी तक ये नहीं क्लियर हो पाया कि उनको किसने सपोर्ट किया था और वो क्यों आए थे, लेकिन जब वो आए तो उनका जो मेन पर्पस था वो उन्होंने जो भी जो वो एक तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे थे वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि हम जो हैं एक तरह से होली वार लड़ रहे हैं इस्लाम के लिए, और जो 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 कश्मीर में मुस्लिम्स हैं उनकी हम हेल्प करने आए हैं जो बेसिकली ओप्रेस किए जा रहे हैं हिंदू किंग के द्वारा और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो इनफैक्ट जहां जहां पे भी वो गए 22 अक्टूबर को वो एंटर होते हैं रेड क्लिफ लाइन को क्रॉस करते हैं और वो बहुत स्विफ्टली मूव करते हैं और 24 अक्टूबर तक वो उड़ी पहुंच जाते हैं। तो आपको मैं दिखाऊंगा अभी उड़ी कहां पे है। तो देयर मूवमेंट वॉज स्विफ्ट। तो बेसिकली इसमें अब डिस्प्यूट है, इंडिया का स्टैंड क्या है। इंडिया कहता है कि ये जो ट्राइब्स आएंगे एकदम से ऐसे नहीं है कहीं से भी आ गई, इनको स्पॉन्सर किया गया, इनको सपोर्ट किया गया पाकिस्तान के द्वारा। और पाकिस्तान जो कहता है कि देखिए ये जो है हमारे द्वारा सपोर्ट नहीं किए गए, ये स्पॉन्टेनियसली आए, ये जो ट्राइब्स थी वो स्पॉन्टेनियसली आई और वो हेल्प करने आई थी अपने कोर रिलीजनिस्ट्स को जो परसिक्यूट किए जा रहे थे हिंदू किंग और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो अब ये क्लैरिटी दोस्तों नहीं है बिकॉज पूंछ साउथ में है, तो जो पूंछ में हो रहा था तो क्या वो इन ट्राइब्स को जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में थी उनको ये सारी चीजें पता लग रही थी या नहीं पता लग रही थी, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता बिकॉज ये जो नॉर्दर्न हिस्सा है यहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी तक क्यों नहीं मिल पाई है, बिकॉज यहाँ ये काफी ज्यादा रिमोट एरिया और यहाँ पे उस टाइम पे रोड्स भी नहीं थी और ये जो आपके रेलवे लाइन्स थी वो भी नहीं थे, टेलीग्राफ फोन लाइन्स कुछ भी नहीं थी और इंडिपेंडेंट अकाउंट्स नहीं है। तो ये जो इस बस सिर्फ जो पता है जो इतनी बात श्योर है वो ये है कि 22 अक्टूबर को ये ट्राइब्स रेड क्लिफ लाइन क्रॉस कर जाती हैं और नॉर्दर्न कश्मीर में एंटर करके लूटपाट करना शुरू कर देती हैं और पर्टिकुलरली टारगेट करते हैं जो हिंदूज वगैरह को और क्रिश्चियन वगैरह को। तो दोस्तों क्या होता है कि देखिए उनका जो प्रोपेगेंडा था वो यही था कि हम क्या कर रहे हैं, एक होली वार लड़ रहे हैं इस्लाम को बचाने के लिए अगेंस्ट इट्स ऑप्रेस। तो प्रेशर कौन थे, बेसिकली वो थे हिंदू किंग महाराजा हरि सिंह और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली जो उन्होंने पॉलिसी फॉलो करी कश्मीर में एंटर करके वो थी लूटपाट वाली पॉलिसी थी, पिलेज वाली पॉलिसी थी, बेसिकली जो प्रॉपर्टी थी उसको डिवास्टेड किया गया और जो जो भी वहां से इकट्ठा किया जा सकता था वो इकट्ठा खुद के लिए किया।
तो उस टाइम पे दोस्तों बस सिर्फ एक इंडिपेंडेंट अकाउंट है, वो है ब्रिटिश सोशल वर्कर थे एक, जो कश्मीर से फैमिलियर थे। उन्होंने बताया कि देखिए उनका उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल इस कॉन्टेक्स्ट में सही बैठती है। वो बोलते हैं कि देखिए उस टाइम पे जो पठान आए थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस थे से, उन्होंने एक तरह से ये जो अपॉर्चुनिटी थी उसको उसको सेंस कर लिया था कि ये जो अपॉर्चुनिटी है कश्मीर में जाके ये सब करने की, इससे उनको डबल बेनिफिट है। एक तो उनको रिलीजियस मेरिट मिल रही है, एक तो वो ये शो कर पा रहे हैं कि वो इस्लाम को बचाने में लगे हुए हैं, और दूसरा क्या है, जो लूटपाट वहां से होगी ऑब्वियसली वो कौन इकट्ठे करेंगे, ये ट्राइब्स इकट्ठी करेंगी। तो ये जो ड्यूल बेनिफिट उनको पता लग चुका था पठान्स को, और वो बहुत स्विफ्टली मूव करते जा रहे थे, कश्मीर में एंटर करते जा रहे थे। तो दोस्तों अब सब्सिक्वेंट इवेंट्स की बात करते हैं कि 24 अक्टूबर को वो उड़ी पहुंच जाते हैं। तो देखिए आप यहां से एंटर करते हैं गिलगित वाली साइड से, तो इतनी जल्दी वो उड़ी पहुंच जाते हैं। तो जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो इससे पहले वो मुजफ्फराबाद में थोड़ी देर रुकते हैं, मुजफ्फराबाद से वो उड़ी पहुंचते हैं, और उड़ी से वो बारामूला की तरफ मूव करने लगते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो अब कश्मीर डिस्प्यूट की, अब आज की भी वीडियो जो बनी है इसी पर्पज के लिए बनी है कि आपको बताया जाए कि कश्मीर डिस्प्यूट के ओरिजिन क्या है। तो सबसे अब से बात स्टार्ट हो रही है अब कश्मीर इशू के डिस्प्यूट की। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो डिजास्टर होता है उस टाइम पे, सबसे बड़ा जो स्ट्रेटजिक गलती इनसे होती है, इन ट्राइब से, जब वो बारामुल्ला पे अटैक करते हैं तो बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट में जाके वो किसी को नहीं छोड़ते। मतलब कहने का ये है कि यहां पे आके वो अकेले हिंदूज को टारगेट नहीं कर रहे थे, वहां पे आके, यहाँ पे आके इन्होंने जो ए पोलिटिकल क्रिश्चियंस थे, जिनका कोई लेना देना नहीं था किसी भी कम्युनिटी से, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनको भी टारगेट किया और उनको मारा भी। और वहां पे जो ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, वो कुछ उनके मिशनरीज बहुत वेलफेयर वाले काम कर रहे थे, जब उनको मारा गया तो एक तरह से जो इनका प्रोपेगेंडा डिजास्टर था वो होना शुरू हो गया। और इनफैक्ट बारामूला में जाके इन्होंने जो कश्मीरी मुस्लिम्स भी थे उनके उनके घरों में भी लूटपाट की, और उनकी जो 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 बूटी है वो इकट्ठी की। और उसके बाद यहाँ पे जवान लड़कियों के साथ रेप भी हुए। तो यहाँ पे इवन मुस्लिम्स भी नहीं छोड़े गए। तो ये जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो आज पाकिस्तान में बैठे लोग भी मानते हैं, और इंडिया में भी सभी मानते हैं कि ये जो था ये एक तरह से स्ट्रेटजिक डिजास्टर था। अगर ये बारामुल्ला में नहीं करते, ये सारी चीजें नहीं होती, तो पॉसिबिलिटी ये थी कि उस टाइम पे जो कश्मीरी पॉपुलेशन थी वो मेजोरिटी मुस्लिम होने के कारण ये भी हो सकता था कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर जाती। लेकिन जब बारामुल्ला में ये सारी चीजें हुई तो एक तरह से रिवल्शन हुई कश्मीरी पॉपुलेशन की इन ट्राइब्स के अगेंस्ट। तो इतने टाइम में दोस्तों अब मैंने आपको बताया कि अब इनका सिंगल मोटिव बन चुका था कि अब कैसे अपनी तिजोरियों को भरा जाए, और कैसे वापस जो सारा जो बूटी है वो वापस अपन जहां से ये आए हैं वहां तक वहां भेजी जाए। तो दोस्तों यहां पे क्या होता है फिर, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये चीजें हो रही हैं, लेकिन अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया था कि महाराजा हरि सिंह क्या कर रहे थे। महाराजा हरि सिंह को जब ये चीजें पता चलती हैं तो वो इंडिया से हेल्प लेने के लिए आते हैं। अब देखिए जो जम्मू एंड कश्मीर थी वो प्रिंसली स्टेट थी, इंडिया की आर्मी तब तक इंटरवीन नहीं कर सकती थी जब तक जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटेग्रल पार्ट ना हो जाता। उस टाइम पे क्या हुआ, जम्मू जो जो जब हेल्प करने की बात आई, हरी सिंह जब इंडिया में इंडिया इंडिया के पास हेल्प लेने के लिए आए, तो उस टाइम पे हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने बोला कि देखिए आपकी हम हेल्प ऐसे नहीं कर सकते, आप सिंपल बात कीजिए, आप जो हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है जिससे प्रिंसली स्टेट जो इंडियन यूनियन में ज्वाइन होगी वो साइन कर दीजिए, हम क्या करेंगे, आपका आपकी जो टेरिटरी है हमारा इंटेग्रल पार्ट बन जाएगी, और ये हमारी एक मॉरल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जम्मू एंड कश्मीर और उनके पीपल को डिफेंड करना। तो देखिए जो महाराजा हरि सिंह थे उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से वो साइन कर दिया, और आर्म्ड फोर्सेस थी वो श्रीनगर भेजी गई। तो कुछ ही समय में काफी ज्यादा फ्लाइट्स जो थी वो न्यू दिल्ली से श्रीनगर को डायरेक्ट की गई। और इनफैक्ट जो नेहरू हैं वो लिखते भी हैं कि अपनी डॉटर को, उस टाइम पे वो लिख रहे हैं इस टाइम पे जब ये सारा कुछ होता है, तो अपनी डॉटर इंदिरा गांधी को वो लिखते हैं कि अगर हमसे कुछ टाइम की भी देरी हो जाती तो कश्मीर जो था वो पाकिस्तान का पार्ट बन जाता, और ये फेट अकम्पली होता, हम कुछ भी नहीं कर पाते, हम बिल्कुल एक तरह से लास्ट मोमेंट पे पहुंचे थे वहां पे। तो दोस्तों जब आदमी वहां पे
पहुंची, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 22 अक्टूबर को एंटर करे थे, और 22 अक्टूबर नवंबर जो था वो सर्दियों का मौसम था। तो जब वो अब इंडियन आर्मी कश्मीर में पहुंची, तो उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया, और जो ये जो ट्राइब्स थी इनको बारामुल्ला से, उरी से और पूंछ से निकाल दिया गया। और लेकिन तब तक क्या हुआ, उस यहां से जब निकाल दिया गया तो जो आपकी जो विंटर थी वो सेट इन कर गई, बिकॉज अल्टीमेटली अब नवंबर मंथ स्टार्ट हो चुका था, इतने इतनी इवेंट्स को ऑब्वियसली 8-10 तो दिन तो लगने ही थे, और नवंबर मंथ में जो बर्फबारी थी वहां पे शुरू हो गई, और उसकी वजह से जो थे ऑपरेशन थे, मिलिट्री ऑपरेशन रुक गए। और तो उससे ये जो लाइन जो मैं आपको अभी अपना कर्सर घुमा रहा हूँ, तो ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है तब से बनी हुई है, बिकॉज तब जब विंटर स्टार्ट हो गई तो मीन टाइम में पाकिस्तान ने क्या किया, जो ये वाला एरिया था, बाकी एरिया था, इसमें इसमें उन्होंने जो जो अब वो बोलते हैं कि हाँ आजाद कश्मीर है, उन उस वहां पे पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट को स्पॉन्सर कर दिया। तो इसमें दोस्तों फिर क्या होता है कि अब जब इंडिया ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया है, तो इंडिया का लीगल राइट था ये पार्ट को भी क्लेम करना। लेकिन दोस्तों इतना ये इजी नहीं था। सबसे पहले तो बहुत सारे जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं उस टाइम के, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि देखिए, पहली बात तो ये है कि अब यहां तक जब कंट्रोल हो चुका है, अब सर्दियों में ऑपरेशंस नहीं किए जा सकते आगे, और इनफैक्ट अगर होते भी हैं तो कभी भी इंडिया डायरेक्टली यहां से नहीं जीत पाएगा। बिकॉज रीजन क्या था उस टाइम पे कि ये जो टेरेन थी बहुत ज्यादा टफ टेरेन थी, और इंडियन जो फोर्सेस थी उनको इस टेरेन के बारे में नॉलेज नहीं थी। और इनफैक्ट एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ने तो ये भी लिखा कि देखिए, अभी जो भी है, अगर ये देखा जाए कि आप ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने कंट्रोल में कर लोगे मिलिट्री एक्शन के थ्रू, तो वो कभी नहीं हो पाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली अगर इंडिया चाहता है कि इसको कंट्रोल किया जाए, या तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, इंडिया को मिलिट्री सिंपल सिंपल इंडिया के पास जो ऑप्शन है वो ये है कि वो सिर्फ वेस्ट पंजाब से एंटर करके, पीछे से एंटर करके फिर यहाँ इस एरिया को ऑक्यूपाई करे, और इंडिया ऐसा नहीं कर सकता था। तो इसकी वजह से अभी जो फिक्स लाइन हो चुकी है वो ये है आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल। तो दोस्तों इस टाइम पे अभी मैं आपको जैसे बता रहा था कि अब जब ये बात हुई, तो 1 जनवरी 1948 को क्या होता है, इंडिया जो है कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशंस में ले जाता है। पर्पस बेसिकली इंडिया का क्या होता है, इंडियन लीडर्स का, कि जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं कश्मीर के, जो मैंने आपको यहाँ पे बताए जो अभी पाकिस्तान के पास हैं, यहाँ से जो 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 ट्राइब्स थी उनको एलिमिनेट किया जा सके, और उन्होंने एक तरह से इंडिया ने यूनाइटेड नेशन की हेल्प मांगी कि आप जो इलीगल ऑक्यूपेशन है ग्रुप्स की जो पाकिस्तान को लॉयल हैं इन नॉर्दर्न पार्ट्स में कश्मीर के, उनको आप निकालिए, और हमें जो जो हमारा लीगल राइट है इस टेरिटरी पे, हमें वो दे दीजिए। तो देखिए, इसकी जो जब ये इशू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाता है तो बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, और जब मीटिंग्स होती हैं तो जनवरी और फरवरी में जब ये मीटिंग्स होती हैं, तो इस टाइम पे जो जो हमारे साथ डिजास्टर हुआ, या आप मिस हैपनिंग बोल सकते हो आप, उस टाइम पे ये हुई कि पाकिस्तान का जो केस रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका नाम था उस टाइम पे यूएनएससी में, उनका नाम था सर जफरुल्ला खान। तो वो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव ऑरेटर थे, और इनको अपनी बात रखनी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आती थी, और ये क्या हुआ, इन्होंने अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से ये रिप्रेजेंट कर पाए वहां पे यूएनएससी में, एज कंपेयर टू इंडिया। तो इंडिया का जो था, एक तरह से इफेक्टिवली इंडिया कन्विंस नहीं कर पाया, और खान जो जफरुल्ला खान है उन्होंने कन्विंस कर दिया यूएनएससी को कि ये जो इन्वेजन हुई है कश्मीर की, ये खुद की मर्जी से नहीं हुई है, ये एक तरह से कॉन्सिक्वेंस थी ट्रेजिक राइट्स का जो नॉर्दर्न इंडिया में हुए थे 1946-47 के समय में मुस्लिम्स के खिलाफ। तो जफरुल्ला खान ये कन्विंस करने में कामयाब हो पाते हैं कि जो ये एक्शन हुआ है, ये एक तरह से नेचुरल रिएक्शन है मुस्लिम्स का टू द सफरिंग ऑफ देयर फेलोज। तो इससे यूएनएससी जो है कन्विंस हो जाती है, और अगर ये जफरुल्ला खान इतने अच्छे तरीके से ना रख पाते बात को, और इंडिया अपनी बात को अच्छे तरह से रख पाता, तो नेचुरली केस जो होना था वो इंडिया के फेवर में होना था। बिकॉज ये जो सारी टेरिटरी थी, रेड क्लिफ लाइन जो बनाई गई थी उसके अकॉर्डिंग ये इंडिया में आनी थी, लेकिन अब जब ये केस हुआ तो इंडिया की एक तरह से
सिंबॉलिक डिफीट हो गई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और कश्मीर प्रॉब्लम को का पूरा एजेंडा ही चेंज हो गया। मतलब कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर प्रॉब्लम, जम्मू एंड कश्मीर क्वेश्चन नहीं रहा, ये इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन बन चुका था और ये पार्टीशन का पार्ट बन चुका था, और कश्मीर को पाकिस्तान ने ऐसे प्रेजेंट किया कि ये अनफिनिश्ड बिजनेस है पार्टीशन का। तो अगर उस टाइम पे ये यूएनएससी का, हाँ सर्टनली ये बात है कि अगर हम अपना केस अच्छी तरह से रख पाते तो ज्यादा अच्छा होता। और इनफैक्ट दोस्तों यहां पर प्रॉब्लम ये भी है कि इंडिया को उस टाइम, चाहे वो आपका यूनाइटेड किंगडम्स हो चाहे आपका यूएसए हो, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। क्लियरली यूएस और यूनाइटेड किंगडम ने जो पाकिस्तान का केस है उसको बार बार सपोर्ट किया और इंडिया के केस को सपोर्ट नहीं किया, इसकी वजह से ये इश्यू रिजोल्व नहीं हो पाया। तो दोस्तों ये तो मैंने आपसे बात कर दी, लेकिन अब बात यहां पर ये आती है कि ठीक है जी, अब चलो ये तो बात हुई सारी डिस्प्यूट की कि हाँ ये एरिया उनके पास चला गया, पीओके उनके पास चला गया, अभी लाइन ऑफ कंट्रोल है और इधर हमारा जो हिस्सा है हमारे पास है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि क्या उस टाइम पे जो हिस्सा हमारे पास था, अब ये मैंने आपको, अब मैप देख रहे हो हमारे पास ये है अभी अभी, तो चलो यहाँ पे मैं बात नहीं करूंगा कि प्रेजेंट सिनेरियो कैसा है, इंडिया की तरफ लॉयल्टी कैसी है, लेकिन उस टाइम पे लॉयल्टी कैसी थी उसकी बात मैं जरूर करनी चाहूंगा यहाँ पे। तो इनफैक्ट दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस टाइम पे कश्मीरी लोग जो थे उनके जो लीडर थे वो शेख अब्दुल्ला बन चुके थे। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि 1930s 1940s का टाइम क्या था, उस टाइम पे ये बहुत बार जेल गए थे और इन्होंने कश्मीरीज की बात को बहुत इफेक्टिवली रखा, तो वो एक टावरिंग लीडर बन चुके थे कश्मीरी लोगों के। और जो शेख अब्दुल्ला के पर्सनल ओपिनियन था वो ये था, और हिस्टोरियंस भी इसको मानते हैं, इंडियन हिस्टोरियंस भी मानते हैं, कि शेख अब्दुल्ला की अगर बात की जाए तो सर्टनली एक चीज श्योर थी, वो पाकिस्तान को फेवर नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहां पे जब पाकिस्तान ने अटैक करवाया तो एक तरह से नेचुरल रिवोल्यूशन उनके माइंड में भी आई थी कि पाकिस्तान ने एक तरह से कश्मीर की सोवरेनिटी पे हाथ डाला है। बिकॉज जब कश्मीर के लोगों ने इनवाइट नहीं किया आपको, तो आप आके कश्मीर पे अटैक करते हो, तो इससे क्या है कि देखिए आप और इनफैक्ट मैंने आपको बताया कि शेख अब्दुल्ला सेकुलर थे और उन्होंने पाकिस्तान को थियोक्रेटिक स्टेट की तरह नेग्लेक्ट किया, और उन्होंने मुस्लिम लीग को भी ये बोला कि आप प्रो पीपल नहीं हो, प्रो प्रिंस हो, आप राजाओं को ज्यादा प्रेफर करते हो। तो उस टाइम पे दोस्तों अगर बात की जाए तो उन्होंने आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर भी रिजेक्ट कर दिया था, बिकॉज उन्होंने ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं, उनका हवाला लेके मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। मैं बता नहीं पाऊंगा कि कहाँ कहाँ से ली गई हैं, लेकिन आपको मैं बेटर आंसर अगर आप चाहते हो तो आप इंडिया आफ्टर गांधी बुक है रामचंद्र गुहा की, उसको उसमें ये चैप्टर रीड कर सकते हो, तो उसमें से ये सोर्सेज लिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए जब रिफ्यूट किया जाता है आइडिया इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर क्यों रिफ्यूट कर दिया जाता है, बिकॉज शेख अब्दुल्ला बोलते हैं कि पाकिस्तान फिर से क्या करेगा, इंक्रोचमेंट करेगा कश्मीर की सोवरेनिटी पे विद इट्स सुपीरियर फोर्सेस। तो ये इसकी वजह से उन्होंने आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस भी छोड़ दिया। और विद इन कश्मीर क्या हुआ कि विद इन कश्मीर उन्होंने काफी ज्यादा अच्छे मेजर्स लिए, जैसे उन्होंने 4,000 एकड़ जो लैंड थी वो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया। आई थिंक 4,000 थी या 40,000 थी, मुझे अब इसका याद नहीं आ रहा, और मेरे पास अभी बुक भी नहीं है, बुक तो है लेकिन पेज नहीं है मेरे सामने, नहीं तो मैं बता देता आपको कि बेसिकली कितनी कितनी जो लैंड थी वो रीडिस्ट्रीब्यूट हुई। बस आप ये जान लीजिए कि लैंड की रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई, और जो जो शेख अब्दुल्ला थे उन्होंने पीपल जो जो कश्मीर के लोगों के लिए सोशलिस्ट पॉलिसीज जैसे इंट्रोड्यूस की, जैसे एब्सेंटी ओनरशिप उन्होंने खत्म कर दी, और उसके बाद वो क्या करते हैं कि जो आपकी ये टेनेंट्स हैं उनका शेयर 25% to 75% इंक्रीज कर देते हैं, और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की जैसे मैं आपको अभी बता रहा था, मुझे पेज मिल गया, ये 40,000 एकड़ जो उन्होंने लैंड थी वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी लैंडलेस लोगों में। तो आप देख सकते हो कि 40,000 एकड़ जब एक लीडर रीडिस्ट्रीब्यूट करता है तो सर्टनली उसकी जो एक एक इमेज है, एक वेलफेयर वाली, एक अच्छे लीडर वाली वो बन जाती है। और वो उस टाइम पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1948-49 के
के टाइम में कैसी शेख अब्दुल्ला की इमेज बन चुकी थी। अभी आपके माइंड में दोस्तों ये क्वेश्चन आता होगा कि अब यहाँ पे महाराजा हरि सिंह कहाँ पे थे, तो दोस्तों महाराजा हरि सिंह साइडलाइन हो चुके थे, अब मेन जो पावर थी वो शेख अब्दुल्ला के पास आ चुकी थी, बिकॉज अल्टीमेटली पंडित नेहरू भी जो थे डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे, और उसकी तरफ जो ऑब्वियसली जो शेख अब्दुल्ला है वो तो इंडिपेंडेंस से पहले से इस चीज के लिए लड़ रहे थे, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पे सेटअप हो चुकी थी। और इनफैक्ट दोस्तों ये जो कश्मीर की तरफ लॉयल्टी, जो कश्मीर की लॉयल्टी की बात है इंडिया के लिए, ये बार बार शेख अब्दुल्ला के द्वारा कंफर्म भी करी गई, जब उन्होंने सब्सिक्वेंट लेटर्स लिखे, चाहे वो पंडित नेहरू को लिखे गए हों या किसी और इंडियन न्यूज़पेपर को लिखे गए हों, जिनका हवाला आपको उस बुक में मिल जाएगा जिस बुक के बारे में मैंने आपको बताया है। लेकिन दोस्तों आज की मैं बात नहीं कर रहा, ये 1949 की है, अभी मत सोच लीजिएगा कि हाँ जब पहले अब लॉयल्टी थी तो अब भी होगी, तो ये सिनेरियो बहुत डिफरेंट हो चुका है कश्मीर में, आपको मैं बात बता रहा हूँ 1949 की। और इनफैक्ट दोस्तों अगर बात करें तो ऑटोमन आता है 1949 का, और नेहरू जो हैं वो कश्मीर जाते हैं, कश्मीर में उनका बहुत ज्यादा बड़ा स्वागत होता है कश्मीरीज के द्वारा, शेख अब्दुल्ला के द्वारा। जैसे टाइम मैगजीन है वो रिपोर्ट करती है कि जैसे नेहरू और अब्दुल्ला साथ में राइड कर रहे थे, तो जो शिकारास थे वहां पे, जो आपके जो डल लेक पे थे, वो सारे एक तरह से मतलब कि वेलकम कर रहे थे नेहरू का, और वो भरे पड़ रहे थे नेहरू की एक नजर एक झलक को देखने के लिए। और इनफैक्ट वहां पे जो जितने भी मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे और लोग थे, उन्होंने नेहरू के ऊपर फ्लावर्स गिराए। तो यहाँ पे दोस्तों एंड में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इंडिया के लिए, नेहरू के लिए और इंडिया के लिए इस टाइम ये लगा कि जो बैटल फॉर कश्मीर है वो जीत ली गई है, कश्मीर हमारा हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी टोटली डिफरेंट नरेटिव था, बिकॉज वहां पे जब जो लोग थे उनका व्यू पॉइंट टोटली डिफरेंट था, और वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और इनफैक्ट पाकिस्तान ने क्लियरली, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1949 में ही यूनाइटेड नेशन ने स्पेशल कमीशन अपॉइंट किया था कश्मीर के लिए, और उस टाइम पे जो कमीशन था उसने जब इंडिया में सिनेरियो देखा, तो इंडिया में सिनेरियो बहुत डिफरेंट था, और उनको भी लगा कि जो कश्मीर है वो इंडिया का एक तरह से इंटेग्रल पार्ट बन चुका है। लेकिन जब वो पाकिस्तान गए, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पाकिस्तान में टोटली डिफरेंट नरेटिव था, और यूएन स्पेशल कमीशन को पाकिस्तान के द्वारा क्लियरली बोल दिया गया था कि वो कभी भी जो कश्मीर वैली है, जो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, वो हम इंडिया को नहीं जाने देंगे। और इनफैक्ट इसके लिए रिक्रूटमेंट्स भी चल रही थी। और आने वाले डेज में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे इवेंट्स अनफोल्ड होती हैं, कैसे शेख अब्दुल्ला का व्यू बदलता है, या कैसे डिस्प्यूट्स बढ़ते हैं नेहरू और शेख अब्दुल्ला में, वो सारी चीजें हम बात करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। तो आपको मेरा पर्पज था बेसिकली आपको एक हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव प्रोवाइड करना। तो अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो एक रिक्वेस्ट है, बस आप इसको लाइक कर दीजिएगा, इसको आगे शेयर भी कीजिएगा, और एक और रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों शुक्रिया, यही आज की वीडियो के बारे में है। थैंक यू टीम एचीव आईएएस की तरफ से, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारी ईमेल आईडी है। हम ऑब्वियसली यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाते हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें इस मेल पे और इस नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। हम वेबसाइट भी डेवलप कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट भी कुछ दिनों में अवेलेबल होगी, तो हम प्रॉपर 2020 के लिए प्रॉपर सारा यूपीएससी का प्लान लेके आ रहे हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के बारे में, शुक्रिया, थैंक यू।